हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले काफ़ी कमाल का टेक न्यूज लेकर आए हैं। बस इस वीडियो के साथ आप बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए यार वीडियो शुरू करते हैं। तो उससे पहले लेकिन हेलो गाइज, मैं चंदन शर्मा और आप देख रहे हैं टेक्निकल तरह चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया जाए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यानी अगला न्यूज़ निकल के आता है रेडमी के 30 KS की तरफ से, जो कि MI 10T को रीब्रांडेड करके मार्केट में इसको लाया जाएगा। हालांकि जब भी फ़ोन रीब्रांडेड होते हैं तो कुछ कुछ ऐसे चीज़ें हो जो होती है जो कि चेंज होती है, बाकी सब चीज़ आपको सेम हो जाती है। ये फ़ोन आपको नवंबर के लास्ट तक आपको देखने को भी मिल सकता है, फर्स्ट वीक तक भी ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा। अब एक दूसरा न्यूज़ निकल के आता है कूलपैड 6 की तरफ से, जो कि कूलपैड के फ़ोन्स काफ़ी अच्छे होते हैं और अच्छे नहीं बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और ये फ़ोन सारे बजट सेगमेंट वाले फ़ोन होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। कूलपैड एक ऐसा कंपनी है जिसमें आप देखें तो ईयरली में ये किया 2 स्मार्टफोन अपना लॉन्च करता है और काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर इसमें देखने को मिल जाएगा। बहुत ही कम बजट में आपको पॉपअप सेल्फी भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अगला न्यूज़ यहाँ से निकल के आता है माइक्रोमैक्स कमबैक कर रहा है बहुत ही जल्दी, तो मेड इन इंडिया हो जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात है। और देखें कि इसका कुछ एक पोस्टर निकल के आया ING के नाम से इस फ़ोन को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें अब क्या इसकी प्राइस होने वाली है और क्या इस फ़ोन में मतलब कि फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। जब भी फ़ोन आएगा हम पूरी फुल उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन मेड इन इंडिया माइक्रोमैक्स आने वाला है तो काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। अब यहीं पर काफ़ी सारे लोग इस दो फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा दिनों से वेट कर रहे हैं, तो उनका वेट ख़त्म। रियलमी X7 Pro जो कि काफ़ी जल्दी आपको इसी मंथ के एंडिंग तक आपको ये फ़ोन दोनों देखने को मिल जाएगा। हालांकि आप बताएं आप मतलब कि क्या आप फ़ोन के लिए कब से वेट कर रहे हो, आई डोंट नो। अगला न्यूज़ ये भी निकल के आता है कि रेडमी नोट 9 और नोट 9 प्राइम में MIUI 12 का आपको अपडेट देखने को भी मिल रहा है। काफ़ी सारे ऐसे स्मार्टफोन है जिसमें आपको देखने को मिल जा रहा है। अगला न्यूज़ निकल के आता है मोटो E7 के ऊपर, जो कि काफ़ी जल्दी आपको ये फ़ोन मार्केट में देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये फ़ोन अभी आने वाला है, इसमें आपको एक बजट सेगमेंट वाले फ़ोन आपको ये देखने को मिल जाएंगे। अगला न्यूज़ ये भी निकल के आता है LG K92 के बारे में, जो कि काफ़ी जल्दी आपको ये फ़ोन मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। और आप जानते हैं कि LG के फ़ोन थोड़ा से बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट होता है उनका, और अब असली गाइस ये फ़ोन भी आपको देखने को। अगला न्यूज़ जिसका भी निकल के आता है सैमसंग गैलेक्सी A41, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, लेकिन उसका एक सक्सेसर एक बड़ा भाई A42 अभी बहुत ही जल्दी आपको मार्केट में भी देखने को ये भी मिल सकता है, बट अभी नहीं, इसमें कुछ टाइम है, नवंबर के लास्ट तक ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यह मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आप इस फ़ोन के लिए कब से वेट कर रहे हो, आपके फ़ोन कौन सा है जिसमें अपडेट आने वाला है या नहीं आने वाला है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स मेरा छोटा वीडियो आप लोगों के लिए पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक लाइक दे दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं कौन है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।